मशहूर जिनके दम से दुनिया में नाम हिंद जमीन शक हुई और एक साहिर निकला निहायत करीब था उसने वो तख्ती उस साहिर को देकर हुक्म दिया कि आज़र जादू जल रवाना हो अमर अयार मेहताब जादू का कत्ल करके हनौज उसी के जंगल में मौजूद है तू जा और उसे गिरफ्तार करके लेकर आ और उसके पहचानने को ये तख्ती दी जाती है जिस पे एक तस्वीर बनी है यह तस्वीर गो की औरत की है मगर अयार की वो शक्ल बदलने में माहिर है जो शक्ल बदल के आएगा और जैसी भी उसकी असली सूरत होगी वैसी ही ये तस्वीर हो जाएगी और अगर वो अयार ना हुआ तो ये तस्वीर जैसे अब औरत की है वैसी ही रहेगी आजर जादू तख्ती तस्वीर की लेके मेहताब के जंगल में रवाना हुआ और चार तरफ अमर को खोजने लगा मगर हाल सुनिए कि अमर अयार भी उसी जंगल में एक मुकाम पे बैठा दिल से कह रहा था कि खुदा जाने असद पर क्या गुजरी और एक तिलस्म का मामला है क्या पता क्या दरपेश हो तभी दूर से उसने एक साहिर को देखा अमर ने दिल से कहा कि इस हरामजादे को भी मारना चाहिए जो साहिर कम हो वही सही ये सोच कर फौरन अपनी सूरत एक साहिर की बना के तरफ उसके चला आज़र ने देखा कि एक जादूगर मुहिब सूरत जिसके कान आँख नाक से आग निकलती है चला आता है करीब उसके गया और कहने लगा हे भाई तुम्हारा नाम क्या है अमर ने कहा अरे पहला अपना नाम बताइए आज़र ने नाम अपना बतला दिया कहा अमर को ढूंढने आया हूँ अमर ने कहा अरे मैं भी उसी फिराक में हूँ मेहताब जादू का अजीज़ हूँ जब से खबर उसके मरने की सुनी है तलाश अमर की करता हूँ आजर ने कहा अच्छा चलो आओ हम तुम मिलके फिक्र करें दास्तानों से दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह तो यह है कि मेरे ख्याल में हमारी दास्तानें और ख़ास कर दास्तान हमजा की जो तवील जिल्दें हैं छियालीस जिल्दें वो दुनिया के तखलीकी अदब का दखियली अदब का बहुत बड़ा कारनामा है रहमान फ़ारूकी का ताल्लुक मौजा कोरियापार ज़िला आज़मगढ़ के एक दीनी और इल्मी खानवादे से है वो 30 सितंबर 1935 को प्रतापगढ़ में पैदा हुए वैसली हाई स्कूल आज़मगढ़ से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद फारूकी साहब अपने वालदे के साथ गोरखपुर आ गए ऐसे ही गोरखपुर में भी इस्तामा आज में जब पढ़ते थे तो आप जिलसाज की उससे भी दोस्ती हो गई तो जिलसाज की दुकान से किताबें लेके दिन भर बैठे वहाँ पढ़ा करते लोग घर वाले उनको मना करते कि भाई आप खराब हो जाए क्योंकि उसको कोई असर नहीं हुआ तो किताब मैं बहुत पढ़ता था मैं अब भी यही है कि पढ़ता बहुत था किताबें में पढ़ता रहता हूँ और बचपन में तो जो बात मुझे अजीब लगती थी वही है कि मैं अपने ख्याल में तो बहुत हाथ पैर का अच्छा आदमी था लेकिन था बहुत छोटा दरअसल क्लास में अपने बी ए में एडमिशन उन्होंने एम पी कॉलेज में लिया गोरखपुर में उसका फासला पढ़ता था तो एक भाई हमारे साथ उनके बगल में होते थे और एक दूसरे उनके दोस्त उनके बगल में होते दो आदमी उनको पकड़े रहते थे और ये किताब पढ़ते हुए चले जाते उनको आज तक ये नहीं पता चला कि रास्ता उनका क्या है यही सूरत हाल हमको जब उन्होंने इलाहाबाद में एडमिशन लिया तो ये पता चला कि वहाँ भी वो रास्ते भर किताब पढ़ते जाते हैं ट्रक वाले उस ज़माने में इतना ट्रैफिक का बदनजमी नहीं थी लोग रास्ता दे देते थे, थे कि यह आदमी पढ़ता जा रहा है कुछ पागल हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा इसको किराए से गाड़ियाँ अपनी किराए निकाल लेते थे, थे वो पैसा कर, ये उनके पढ़ाई का सौबदा था एक्सटर्नल अफ़ेयर्स की तरफ से कुछ जबानों की तालीम का इंतज़ाम है तो मैं अरबी और फ्रांसीसी जबान सीखने जाता था तो मैंने देखा कि शमसुरह फारूक साहब वहाँ फ्रांसीसी सीखने आते हैं और उन्होंने इम्तहान उस इम्तहान में बड़ा इम्तियाज़ हासिल किया तो उनकी जहानत मामूली है और रियाजत उससे भी बरतर कोई शख्स इतनी मेहनत कर सकता है और अपने मेयार से मफाहमत किए बग़ैर ये बात आम तौर पर हैरत अंगेज़ होती मेरे उस्ताद बहुत साहब इलाहाबाद गए थे वाहवा लेने के लिए इंटरव्यू लेने के लिए बा का उस जमाने में ये इल्म थे मैं फाइनल के तो जब वेरी हैप्पी हम लोगों से क्लास में कहा आई एल्हाबाद बुक फ्राम माइंड उन्नीस सौ त्रेपन में उन्होंने बी ए पास किया इसके बाद उन्नीस सौ पचपन में अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में इम्तियाजी हैसियत से एम की डिग्री हासिल की कि मैं तो हमेशा समझता था कि मैं पढ़ाऊँगा यूनिवर्सिटी में और जाहिर है कि अंग्रेज़ी में अंग्रेजी अच्छी थी अच्छे नंबर लाया था मैं अपने अपने बैच जो फर्स्ट आया था सब लोग जानते थे बहुत अच्छा अच्छा लड़का है लेकिन अब कुछ ऐसा इतफाक़ हुआ कि मुझे यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जगह नहीं मिली हालांकि चार जगहें इस वक्त खाली थी जब मैंने पास किया उन्नीस पचपन में अब तो पता नहीं कितनी पुरानी हिस्ट्री हो गई लेकिन तो वो मेरे साथ के सब लोगों को मिल गई मुझे नहीं मिली तो इस तरह से वो रह गया तो मैंने कॉलेज में पढ़ाया जाकर बलिया में बलिया के एस सी कॉलेज में डिग्री कॉलेज था वहाँ मैंने पढ़ाया उसके प्रिंसिपल साहब बड़े लायक आदमी अंग्रेज़ी के आदमी भी थे बहुत लायक आदमी थे तो इसके बाद फिर वो मैं शिवली कॉलेज में आ गया पढ़ाने के लिए दो साल मैंने वहाँ पढ़ाया जब शिवली में मैं था तो मेरे एक और एक दोस्त और जो अलीगढ़ के थे जो अब बाद में प्रोफेसर हो गए नेशनल नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़ाक वासिल वहीं रहते हैं बहुत मशहूर आदमी है डॉ हफीज़ सिद्दीकी तो वो जोग्राफ़ी के थे जॉगरफी तो वो कह लगे कि अजी वो इम्तहान हो रहा आई का तो, तो तुम भर दो तो फॉर्म तो मैंने कहा कि मैं तो फॉर्म नहीं भरूंगा मुझे तो नौकरी करनी नहीं है सिविल सर्विस करनी नहीं मुझे तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो बात नहीं मेरे पास दो फार्म आ गए हैं इतफाक से एक मेरे दोस्त ने भेज दिया एक मुझे मिल गया एक तुम भी भर दो तो मैंने उसको रावर रबी फॉर्म भर दिया और पास भी हो गया रावर रबी तो उसमें मैंने पोस्टल सर्विस मां मांगी थी कि अगर मुझे पुलिस तो मेरे लिए फिट नहीं थी यूँ भी आँख मेरी कमज़ोर थी बहुत कि अगर मुझे आई प्रॉपर और आई ना मिले तो आई विल आई वॉन्ट पोस्टल सर्विस उसकी वजह ये थी कि इस पर नौकरी में आराम बहुत है बड़े शहरों में पोस्टिंग आपकी होती है आराम से आप काम कीजिए ये नहीं कि बहराइच में कभी सूरतगढ़ में कभी कहीं आप कलेक्ट्री कर रहे हो मारे मारे फिर रहे हैं तो हो गया फिर हम फारूकी साहब हुकूमत हिंद की पोस्टल सर्विस से वाबस्ता रहे और उन्नीस में पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के मेंबर की हैसियत से सबकदोश हुए दौरान मुलाजमत वो अपने महकमे में हुसन कारदगी की वजह से हर दिल अजीज़ रहे फारूकी साहब का ताल्लुक अगरचे बरह रास्त ज़ुबान व अदब की दरस व तदरीस से नहीं रहा लेकिन उन्होंने अपने जमान मुलाजमत में ऐसे अदबी व तनकीदी कारनामे अंजाम दिए जिनकी अहमियत आज भी मुसलम है मेरी अम्मी से उनकी मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में हुई और इसके बाद आ, अम्मी भी मेरी आ, कॉलेज की प्रिंसिपल हैं प्रिंसिपल थी आ, लेकिन ज़ाहिर बात है उ, उनको उनको यह एहसास था कि मेरे वाले के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बहुत सारे काम करने का और उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया आ, कि आप ठीक है अगर आप प्रोफेसर नहीं बने यूनिवर्सिटी में आप आई हैं या सेंट्रल सर्विसेज में हैं तो फिर भी आप वक्त मैं पूरा आपको साथ आप को ताउन दे सक देने की कोशिश करूँगा किया और दिया उन्होंने घर का सारा निज़ाम और छोट सारी चीज़ों को को उन्होंने खुद संभाला मेरी अम्मी ने और इस तरह से आ, मेरे अब्बा को पूरा वक्त था हमारी बेगन सभा मरूमा बहुत बड़े घर की बेटी थी जमींदार घर की उन्हें बहुत शौक था एक घर होना चाहिए हम लोगों का अपना मैं कह चाहता है सभी घर पर क्या होगा हम तो किराए के मकान में रहते हैं मशहूर कहावत अंग्रेज़ी की है कि बेवकूफ़ लोग घर बनाते हैं अक्लमंद लोग उनमें रहते हैं तो क्या ज़रूरत है कहेंगे नहीं नहीं घर होना चाहिए घर पर ज़मीन लेना चाहिए तो उन्होंने ये ज़मीन बहुत मुझे मजबूर करके उन्होंने ज़मीन लिए तो इस घर में से मेरा इतना कारनामा ज़रूर है कि ये घर जो तुम देख रहे हो ये सब इसकी इसका पूरा डिज़ाइन मेरा बनाया हुआ है हालांकि मैं नौकरी पर था मेरी बीवी यहीं रहती थी यहीं काम करती थी उन्होंने जैसा तुमको मालूम होगा कि एक एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी फिर उन्होंने कॉलेज को कायम किया बनाया फिर एक काले बनाया तो दो तीन इदारे उन्होंने लड़कियों के लिए खोले तो यहीं रहती थी यहीं काम करती थी वो मैं बाहर रहता था शायर अदीब और नक़ाद की हैसियत से फ़ारूकी साहब का नाम यूँ तो उनकी अदबी ज़िंदगी के आगाज़ से ही पहचाने जाने लगा था लेकिन जदीदियत के उरूज के ज़माने में जब उनके कई अहम मज़ामीन और किताबें मंजर आम पर आईं तो फारूक साहब की शोहरत बहुत बढ़ गई फिर उर्दू ज़ुबान अदब के बहुत से मौजूद पर उनकी कई किताबें तबातर के साथ सामने आने लगें फारूक साहब ने उर्दू में बिल्कुल नए तरह के अफसाने लिखकर फिक्शन की दुनिया में एक नए तर्स का इजाफ़ा किया उस जमाने में जब शहरत उनके हम रिकाब नहीं हुई थी उस वक्त भी मैं ये महसूस करता था कि इनको बहुत आगे जाना है बालाए सरश होश मंदी मी ताफ्त बुलंदी महसूस ये होता था और जितनी तवक्कात थी आगे चलकर वो तो सब पीछे रह गई उससे बहुत आगे निकल गए शमसर रहमान फारूकी की अदबी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं वो नक़ाद हैं शायर हैं नाल नगार हैं अफ़साना नगार हैं उन्होंने तर्जमे बहुत से किए हैं और उनकी शख्सियत का एक बहुत नुमाया पहलू उनका मुदीर होना भी है आज के ज़माने में बिलखसूस आम तौर से ये समझा जाता है कि फारूकी साहब हमारे ज़माने के सबसे बड़े नक़ाद हैं उन्होंने बहुत सी गैरमूली बातें की हैं गरमूली इम्तियाज़ा हासिल किए और सरकारी मुलाजमत पर फायज़ होने के बावजूद उन्होंने तनकीद के लिए वक्त निकाला और तनकीद पर उनकी मोहर लग गई फारूक़ी साहब ने मीर को अपने खसूस मुताले का मौजू बनाया और 20-25 साल मीर पर काम किया और चार जल्दों में मीर के कलाम की शर की और वो पैमाने वो असूल उस अपनी किताब शेर शोरंगेज़ में जो मीर पर उनकी किताब है मशहूर ज़माना किताब है जिस पर उन्हें उर्दू का सबसे बड़ा इनाम सुरस्ती सम्मान भी मिला है उन्नीस सौ छियानवे में उस किताब के तकरीबन सात आठ सौ सफ़े पर मुश्तमिल मुश्तमिलबाचों में फ़ारूकी साहब ने बहुत तफसील के साथ वो बातें बयान की कि जिनसे हम अपनी क्लासिकी शायरी को हकीकी तौर पर समझ सकें अब मैं जब उसके शेयर लोगों को सुनाऊँ कि साहब मीर की जो शेर सुनिए तो लोग कहेंगे कौन सा मीर है और किस किस दीवान में मिलता है मैंने कहा भाई ये उसी दीवान में है जिसमें से आप पढ़ते हैं इसमें हम पढ़ते हैं कहने नहीं, नहीं हो सकता ही नहीं ये शेर मीर का हमने कहा नहीं है मीर के शेर तो ये ख्याल आया कि साहब जो बारिकियाँ इसमें नज़र आ रही हैं और लोगों को तो मालूम नहीं होती क्योंकि और लोग तो इस तरह से कहते ही नहीं मीर के बारे में कि बड़ा पेचीदा शायर है ये कहते हैं सादा है बड़ा सहल है और सलीस है फना है अब वो खुद ही कह रहा है कि है सहल है मीर का समझना क्या हर सुखन उसका एक मकाम से है इसको भी लोग यार यार लोग अरे नहीं 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 ऐसे ही कह दिया है कुछ नहीं इसका मतलब क्या है तो मैंने कहा अच्छा मैं हर शेर में कुछ कुछ शेरों में कुछ थोड़ा बहुत लिखूँगा अब फिर वही मुश्किल पेश आई कि जिस शेर को उठाऊँ कि इसको कोई लिखूँगा तो उसमें मालूम है और कई बात निकल रही है तो इस तरह से वो अट्ठाईस उनतीस सौ पेज की किताब बन गई चौदह सौ शेर और बाकी सब हमारा उसमें हमारी बकवास और उसी उसी के नतीजे में यह भी रहा कि भाई शेर मीर मीर की नजर में शेर था क्या आकर और हमने ये सवाल उठाया कि जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे कि किसी शायर की नज़र में शेर किसे कहते हैं तब तक उसके शेर को समझेंगे कैसे आप और जिस तहजीब में जिस ज़माने में वो शेर कह रहा है उस तहजीब में उस तहजीब उस उस फ़ती माहौल में शायरी से क्या मुराद लोग लेते हैं उसके पहले वाले लोग शायरी किसको कहते थे इन बातों को जाने बगैर भी आप आप, आप उस, उस शायर को समझ नहीं सकते हैं फारूकी साहब ने तो जदीद शायरी को इस्टेबलिश किया हिंदुस्तान में जदीद शायरी और उनकी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि उन्होंने जदीद शायरी की शेरी जमालियात में क्लासिकी शायरी का रंग तलाश किया है जो भी फारूकी साहब ने इकबाल पर गालिब पर या मीर पर लिखा है उसमें लफ्ज़ का एहतराम लफ्ज़ का रोल लफ्ज़ की क्या अहमियत है और लफ्ज़ किस तरह मत में अपना काम करता है इस पर उनकी बुनियादी तोज् रही है और वो बहुत बड़ी बात है शेर गैर शेर और नसर है उसमें पूरा एक जो मजमून है कि शेर क्या है गैर शेर क्या है नसर क्या है उसमें जदलियाती लफ्ज की बहस पहली बार उन्होंने उठाई ये अतलाह भी उन्होंने वज़ा की और उसमें इबहाम की अहमियत को वाज किया है कि शेर में इबहाम जो है वो किस तरह से उसको बामाने बनाता है उसको पुरकशिश बनाता है और उसके अंदर ए, शेर के अंदर एक तर कायनात को तलाश करने का वसीला बनता है मेरा यही काम रहा है कि जो अदबी मैार हमारे यहाँ मुकर हैं हम जो हमारे बुज़ुर्गों ने मुक्र किए जो हमारे पूरे तख्लीकीमल में जारी सारी हैं, और फिर ये कि चूँकि हाल ही हाल ही के ज़माने में ख़ास कर हाली और आज़ाद और इमदाजमाम असर और उनके ज़रा से बात शिवली इन लोगों ने हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत भी देखा और अदबी मीरों की तलाश में या अदबी फन पारों को समझने की कोशिश में अरबी फारसी के अलावा संस्कृत को भी देखा अंग्रेज़ी को भी देखा अंग्रेजी के सहारे से फ्रांसीसी को देखा जर्मन को देखा तो हम लोगों ने भी यही किया मैंने ख़ासकर ये किया कि दूसरी दुनिया में जो हमारी दुनिया के बाहर दुनिया है उसमें किस तरह के मेयार हैं मसल इंग्लैंड में अंग्रेजी में या जर्मन में या फ्रांसीसी में और कुछ चीज़ें वहाँ से मैंने लीं जो मेरे काम की नजर आई मैंने वहाँ से ली जैसे यही कि ये शेर को पूरी तरह से बाद को पूरी तरह से से वाजे न करना कुछ थोड़ा सा अनकहा छोड़ देना ये हमारा भी था लेकिन जिसको इसको जितनी जोर दे करके फ्रांस के लोगों ने कहा इनको कि सिंबलिस कहते हैं फ्रेंच सिंबलिस ने कहा उतना और लोगों ने नहीं कहा हमने उनको वहाँ से उसको ले ज़ोर ज़ोर दिया क्योंकि अगर हे सिर्फ ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ भी कहते हैं हमारे यहाँ भी आनंद वर्धन ने और अभिनव गुप्त ने कहा है कि साहब शेर इशारे पर होता है शेर में एक चीज़ जिसको जिस कि ध्वनि कहते हैं कि शेर कहता कुछ है लेकिन उसकी गूंज कुछ और तरह की होती है या शेर में इशारा होता है जो कि इनडायरेक्ट होता है उसको बकरोक्ति कहते हैं तो लोग कहते हैं हाँ होगा होगा ये पुराने पुराने लोग हैं इनके हम आपके यहाँ नए ज़माने में क्या हो रहा है इसलिए हमने इन लोगों की बात को भी ली ले करके और यहाँ से भी फ्रेंच सिम्बलिस से और अंग्रेज़ी के ख़ास टी एस एलिजट से दूसरे लोगों रेजट से ले करके हमने अपनी बातों को मुकम्मल करने की कोशिश की तो अगर कोई काम तनखीद दुनिया में मैंने किया तो यही किया है कि अपनी पूरी तहजीबी अदबी रवायत को जहाँ तक मुझसे हो सका समझा और उसको उसकी पूरी रूह को जज्ब किया और जो कुछ मगरब में किया गया है उसमें से वो चीज़ें मैंने निकाली जो मेरे अदबी माहौल और माशरे के मैार से हम आहे मसन ये कि चीनी अदब से थोड़ी बहुत मुझे वाकफियत है और चीनी शायरी मैंने पढ़ी है और बहुत पसंद भी करता हूँ लेकिन चीनी शायरी से मेरा कोई रबता बनता नहीं है तो इसलिए तुम मेरी तहरीरों में बहुत कम जिक्र देखोगे चीनी शायरी मेरी तहरीरों में तुम अरबी बहुत देखोगे फारसी बहुत देखोगे संस्कृत देखोगे अंग्रेज़ी देखोगे फ्रेंच देखोगे लेकिन तो इसलिए कि ये रवायतें ऐसी हैं जिनसे कि मैं कि इनसे मैं मिलकर काम कर सकता हूँ जो रवायतें कि मेरे मेरी रवायतों से बहुत दूर हैं जैसे चीनी रवायत तो सी कदर करता हूँ मैं लेकिन उससे मैंने कोई काम नहीं लिया है ये बुनियादी बात है फारूकी साहब ने हिंदुस्तानी फारसी शायरी को एक जो, की जो शरियात है उसकी जो पोइटिक्स है उस और जो बिखरी हुई थी उसको पहली बार तरतीब दिया है रहमान फारूकी साहब का काम भी बहुत जीतों में फैला हुआ है ख़ास तौर पर शबखून तो एक ऐसा अनमिट हवाला है जो उर्दू अदब में हमेशा रहेगा कि उन्होंने किस तरीके से शबखुन में मख्तल तहरीकें मुख्तफ सवाल उठाए मख्तलफ अदब के इंटरप्रटेशन दी वो ज़ाहिर है कि उसने पूरे उर्दू अदब को मुतासर किया शबखून जब आता है और उसका जिक्र आएगा तो तारीख़ फरामश नहीं कर सकती इसके खदम्त बहुत वसी हैं और यहाँ पर फारूख़ी साहब ने एक एक पूरा आपके ग्रुप को तैयार किया है एक समाजी और एक मुस्लिम माशरे को जो अभी भी बास को कोबूल करने के लिए पीछे हटता है फारूकी साहब ने वो तमाम चीज़ों को खोलकर एक पूरी नई पौत की रहनुमाई की है और उनकी इमामत की है फारूकी साहब ने ख़ुद शब में बहुत से अंग्रेज़ी शायरों के रूसी शायरों के फ्रांसीसी शायरों के रूसी फ्रांसीसी वगैरह शायरों के तर्जे उन्होंने ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ी के ज़रिए से उर्दू में किए और उनके तर्जमे तो ऐसे ऐसे होते थे कि लोग लोगों का ये ख्याल होता था कि साहब इन तर्जमों को पढ़ के ऐसा लगता है कि गोया हम असल शायर की नज़म पढ़ रहे हैं इसके अलावा फ़ारूकी साहब ने एक जो हमारे यहाँ तनकीद की दुनिया में अरस्तू की किताब जो जाहिर है कई दो ढाई हज़ार साल से हमारे यहाँ तनकीद की बुनियादी किताबों में जो उसकी पोइटिक्स है जिसको भूतीका के नाम से मशहूर है भूतिका का जो तर्जमा बड़ी मुश्किल किताब समझी जाती है उसका तर्जमा फारूकी साहब ने किया शहरियात के नाम से और ये तर्जम इतना अहम और इतना काबिल कबूल करार पाया कि आप इस किताब के कई एडिशन शाये हो चुके हैं इसी तरह जब उनका अभी नावल आया है तो उस पर तो भी बहस चलेगी काफ़ी देर तक कई चांद थे सरे आसमां तो वो भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो रोकता है आदमी को कि देखो तारीख़ को किस रुख पे देखा गया है तारीख़ के तस्वर को किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है और उसको किस तरीके से इंटरप्रेट होना चाहिए आज से 200 सौ बरस पहले डेढ़ सौ बरस पहले के लोग अंग्रेज़ के बारे में क्या सोचते थे और अंग्रेज़ उनके बारे में क्या सोचता था इस पर मैंने जो नावल जो है ये कई जानते थे रे उसमें दो चीज़ें हैं एक तो ये दूसरा ये कि फिर वही बात कि उस जमाने में शायर होने का मतलब क्या था और जो लड़की जो उसका जो मरकजी किरदार कही है उसको आप कि उसको एक के बाद एक कई आशिक मिलते हैं और हर आशिक फिर या तो मर जाता है या उसका कत्ल हो जाता है तो फिर दर तर तलाश में रहती है कि किसी मुझे कि और कोई आशिक को चाहने वाला मिल जाए ये एक तरह से समझिए आपके पूरी दिल्ली की पूरी मुग़ल सल्तनत की एक एक अमत है कि वो बार बार वो देखते हैं कि कुछ कमी है कुछ मुझे मिलना चाहिए लेकिन रास्ता नहीं मिलता कि वो कैसे पाऊँ उसको मैं और आखिरकार वो नहीं नहीं पाती उसे उमूमन नावल नगार जब भी किसी मौजू को अख्तियार करता है तो उस मौजू को बयान करते हुए अपनी ज़बान इस्तेमाल करता है यानी जो उसकी अपनी ज़बान है या जिस ज़माने से वो ताल्लुक़ रखता है उस ज़माने की जो ज़बान है इसमें फ़ारूकी साहब ने ये बहुत ही हैरत अंगेज़ पहलू ये अपनाया है इस्तेमाल किया है कि इस नावल में ज़बान वो इस्तेमाल की है कि जो अट्ठारहवीं या उन्नीसवीं सदी का आदमी जो बोलता है ज़ाहिर है कि उस जमाने का किरदार जो ज़बान उस ज़माने में बोल रहा है उस उस जबान को आज का अदीब आज का नावल नगार आज का शख्स अगर इस्तेमाल करे तो आप ज़रा ग़ौर फरमाएँ कि उसे कितने पापल बेलने पड़े होंगे कितनी मुश्किल पेश आई होगी कि आज हम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो लफ्ज़ आज से डेढ़ सौ साल पहले भी इस्तेमाल होता रहा हो या डेढ़ सौ साल पहले किसी बात को बयान करने के लिए जो तरीक़ा था वो ज़रूरी नहीं कि वही तरीक़ा आज भी हम इस्तेमाल करते हों तो नहायत तहक़ीक और मेहनत के बाद फारूकी साहब ने उस नावल के आखिर में इस बात का एतराफ़ किया है कि इस अल्तज़ाम को अख्तियार करने के लिए उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ी उन्होंने बहुत से लगातार इस्तेमाल किए और ये जगह जगह इसको वेरीफ़ाई किया कि साहब उस ज़माने में जो वाक़ वो बयान कर रहे हैं जो सूरत हाल है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में उस जमाने का शख्स जो है वो कैसी इस्तेमाल करता क्या बोलता कौन सा लफ़्ज़ इस्तेमाल करता कौन सा मुहावरा इस्तेमाल करता शायर की हैसियत से भी फारूकी साहब की अहमियत किसी तरह कम नहीं है वो जदीद गज़ल और नज़्म के शायरों में अपनी अलग शनाख्त रखते हैं अब तक उनके चार शेरी मजमू मंजर आम पर आ चुके हैं फारूकी साहब मीर के नाम पर सुर सुनते हैं मीर पर शोरंगेज़ शेर शोरंगेज़ लिख डाला उन्होंने मीर को फ रेट शायर समझते हैं आला दर्जे का सफ़ेल का वगैरह वगैरह लेकिन ख़ुद उनकी शायरी जो है इम्पैक्ट पोटिक डिक्शन पर गालिब का बड़ा असर है गालिब का यानी उनके यहाँ जो पेचीदगी है जोलदगी तो नहीं है दूसरी ख़ास बात यह है कि मुझे हैरत होती है कि मीर कारवाँ थे जदीदियत के मीर कारवं लेकिन जिस तरह की शायरी हो रही थी अहमाल तक गुलू तक जुगलूदगी तक उन्होंने इससे अपनी शायरी को बचाया शायरी को महफूज रखा उनके यहाँ आह, अहमाल नहीं है उलझाव नहीं है दूरदगी नहीं है हाँ एक चीज़ है ये दिमाग की शायरी है इसमें दिल भी धड़कता है मगर दिमाग की शायरी है फारूकी साहब की शायरी थोड़ा सा एक जहन नारसा वहाँ तक नहीं पहुँच सकता लेकिन ग़ौर तमुल चाहते हैं उनके अशार उसको गौर से पढ़िए तो बशाफ़ हर चीज़ हो जाती है ख़ास बात यह है कि उन्होंने लफ्ज़ को मानी अता किया यानी ये कि महज लफ्स का इस्तेमाल बरए लफ्ज़ एक जामिद लफ्ज़ स्टैटिक लफ्स बिल्कुल नहीं उसमें जज्बा भी थर थर आता है दिल भी थरस रहता है और हर लफ्ज़ को मीनिंग दी उन्होंने यानी यह कि सपाट अशार नहीं है ठस अशार नहीं है वगैरह वगैरह और सिर्फ अपने को तश्बी और इश्त्यारा तक महदूद नहीं रखा उन्होंने जैसे रवायती शायरी चलती आ रही है उसमें अलामत भी है उसमें इबहाम भी है गया फ्रांस की शायरी के असरात भी हैं तमाम सब बातें हैं तो एक बहुत ही नफीस और बड़ी उमदा शायरी है जदीदियत के बारे में तो जैसे लोग कहते हैं कि बहुत गुमराह किया फारूक साहब ने लोगों को तो गुमराह तो अगर मैंने किया तो शायद मैं नहीं जानता लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि जो कुछ भी मैंने जदीदियत के बारे में लोगों से कहा और जो कुछ वर्ष किया मैंने जो जो कुछ समझाया वो बड़ी हद तक लोगों तक पहुँच ज़रूर गया चाहे लोगों को उस पर पूरा इतमान न हुआ हो मैंने जब शुरू किया लिखना आज से चालीस पैलीस बरस पहले बल्कि और पहले अब तो पचास बरस होने को आ रहे हैं तो ये देखा कि वही वही जो जो, जो जुल्म के अखबाल पर हो रहा था कि प्रेमचंद बहुत बड़े अफसानगार हैं क्यों उनके यहाँ देहातों का बड़ा अच्छा मंजर मिलता है उनके यहाँ हिंदुस्तानी समाजी बेदारी के बारे में बड़ा ज़ोर जोर मिलता है तो समाजी बेदारी से तो कोई शायर बनता नहीं अफसानगार बनता नहीं अफसाना तो बनता है किसी और वजह से हाँ उसमें फिर आप कुछ निकाल लीजिए वो आपकी मर्ज़ी है लेकिन सबसे पहले तो फ़न को फनी ए से देखिए कि वो फ़न है कि नहीं है हिंदुस्तान जन्नत निशान के दास्तान गोयों का कमाल देखिए कि वो दास्तान जो दुनिया भर में महज एक जिल्द में जानी जाती थी उसको उन्होंने इतना फैलाया इतना फैलाया कि वो फैलते फैलते छियालीस जिल्दों तक जा फैली और हिंदुस्तान जन्नत निशान के अजीम तरीन अदबी कारनामों में गिनी गई तो दास्तान गोई की ये महफिलें एक नजराना अक़ीदत है उन गुमनाम दास्तान गोयों के नाम जो अदीब भी थे फ़नकार भी दास्तान के साथ मामला ये है कि दास्तान गो का पढ़ने वाला या जिसको सुनने वाला कहिए नहीं उसका जो टारगेट है उसके सामने है तो उसके हिसाब से फिर जो डायनेमिक्स होती हैं जो हरिया हर, गया, हर होती हैं उसकी बना पर दास्तान में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नावल में नहीं होती और ये समझना कि ये चूँकि नावल में वो चीज़ें नहीं हैं इसलिए नावल बेहतर है और दा, दास्तान कमतर है ये एक बड़ा गलत ख़्याल था जो लोगों के दिल में बैठा हुआ है सबसे बड़ी कोशिश मेरी यही रही है कि मैं दास्तान की जो जो उसकी जो थेरी है उसको बयान करूँ कि दास्तान किस तरह से और क्यों कर वजूद में आती है इसके होने की वजह क्या हैं फारूकी साहब ने दास्तान जैसी भारी भरकम और गैर मामूली सिन्फ़ को भी अपने तनकीदी मताले का मौजु बनाया दास्तान अमीर हमज़ा पर उनकी जखीम किताब तीन जिल्दों में शाया हो चुकी है और ये काम अब भी जारी है